are the proud participant in the making of this new India. We are TMT Plus, the most trusted, operating 19 states, 319 cities of Atmanirbhar Bharat. गर्मियां बढ़ने के साथ ही नगरोटा सूर्या की कई पंचायतों में पेयजल समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। पेयजल समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग व बिजली विभाग आमने सामने आ गए हैं। जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता रजनीश मेहरा ने बताया कि बिजली की वोल्टेज कम होने के कारण पानी की मोटरें नहीं चल रही है, इस कारण पेयजल समस्या पैदा हो रही है। पेयजल समस्या को लेकर कथोली पंचायत के एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर भी शिकायत की है। वहीं सपेल के ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान रविंद्र कौर के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग नगरोटा सूर्या के सहायक अभियंता का घेराव कर समस्या को हल करने का 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, तब जाकर पेयजल योजना सुचारू रूप से काम कर पाई। उधर जल शक्ति विभाग नगरोटा सूर्या के सहायक अभियंता राम कुमार ने कहा, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक टीम बिजली वोल्टेज कम होने के कारण पानी की मोटरें नहीं चलती है, इसलिए पेयजल की लत पैदा हो रही है। पानी समस्या बड़ी है भाई, आवे नहीं पानी, लोका घर घर पानी मंगाने असा बोतलुआ च पता था लेना पानी टटकाने पानी बगैर बाल्ट मलेगी दिखा दो पानी भरना जाने अजकल गर्मिया ना लोग भी कुछ नगर भर सारी है, क्या करिए बड़े परेशान है। ये पानी नंबर बाढ़ से बिल्कुल हद हो गई है पानी की, पानी नहीं था आज रात का बोलनी है कुछ लैटरिन लाई पे ना बच्चे तो सुख जम गया सा बच्चे वाले घर ने क्या करिए इतने परेशान है सा पानी में नहीं ना अंदर क्या तो जेड़ा जीने ने लूटिया लाइया ना जाए ना चेंज करा ज्यादा फिर ना बोला बेटा अपना टाइम ठीक ढंग का रखा असा नहीं चाहते पे ए अपने आदमी ने दूर भेजिए ना फिर ना हां जो बड़ा परेशान किए है दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा सूर्या से रामस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।